और यहाँ पे मैं माई को बोल रही थी कि माई मू छ महंगा हो जाएगा <laughs> क्योंकि कहते तो ना ऑलमोस्ट मेरा भेल का डन 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 है बड़े कपड़े प्लीज साइड में रखे दरवाजे के सामने ना रखे अच्छा नहीं हमारे तो 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 ना कहते क्या कहते, नहीं, कहते कोई चीज अगर गिनने से कम होती है भेलबाल घर में आया है तो ऑब्वियसली भेल भाल का ही कुछ बनेगा रेसिपी बट ये अंडे क्यों बन रहे तो बस मैंने खाला को इसीलिए बुलाया था कि प्लीज क्या हुआ खाला कोई और एंटर हुआ क्या नहीं हुआ उठ दबापी लाओ बुखार है ये देख तेरे बुखार चढ़ी है देख ले पापा तेरे बुखार है रे उठ जल्दी उठ उठ दबापी लाती उठ ऐसा ना उठ एक बुखार चढ़ी उठ ले पापा हम्म अरे गांग में बुखार है देख उठ गोली पीला देती उठ छोना सोना सोना उठो उठो दवा है अभी दवा पी अम्मा, अम्मा? सुबह के अभी बज रहे हैं पाँच बज रहे हैं और माही को बुखार चढ़ी थी चार बजे और अब बाद पाँच बज रहे हैं अभी मैं जा रही हूँ चाय बनाने के लिए क्योंकि मिल जाएगा स्कूल और अभी उसको करनी है अपनी स्टडीज़ रिवाइज़ वग़ैरह करना है जो लेसन तो बस मैंने दूध चढ़ा दिया है और दूध मैंने रात ही में मंगा के रखा था क्योंकि दुकान पाँच बजे नहीं खुलती है वो छः बजे के बाद ही खुलती है तो रात ही मैंने दूध मंगा के रख लिया था और बस अभी तो चाय चढ़ा रही हूँ ताकि थोड़ी सी फटाफट उसको एक कप चाय दे दूँगी तो माइंड फ्रेश हो जाएगा उसका तो फिर पढ़ने के लिए बैठ जाएगा और बस गया है मेरे को तो उठा दिया मैंने आवाज़ देके वो गया है मोरी के अंदर आ, फ्रेश हो जाएगा और पढ़ाई करने के बाद में सवा छः बजे तक पढ़ेगा वो सवा घंटा उसके बाद में वो जाके अपना नहाएगा और फिर स्कूल के लिए तैयार होएगा तो जब तक मेरी चाय बन जाती है और अभी साथ ही में मैं भी थोड़ी सी चाय पी लूँगी क्योंकि मुझे भी सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ ना तो मुझे पहले चाय चाहिए होता है और बस चाय पीऊँगी थोड़ा सा मेरा भी मूड फ्रेश हो जाएगा और मैं थोड़ा नुमेर पड़े तक कि मैं थोड़ी मोबाइल की एडिटिंग करूँगी सोऊंगी नहीं एडिटिंग करूँगी उसके बाद में जब वो सात बजे चला जाएगा तो फिर मैं देखूँगी एक आध घंटा या दो घंटे के लिए सो जाओ आ, तो चले भी सबसे पहले नुमेर को मैं चाय दे देती देती हूँ ताकि ये पी के थोड़ा फ्रेश हो जाए और ये देखें सो के उठाए हालांकि मुंह धोकर आया है वो लेकिन उसका चेहरा देखिए हाँ <laughs> स्माइल दे रहा है आपको <laughs> स्माइल दे रहा है आपको और वहाँ देखिए माही सो रही है गद्दे पे और उसके बाजू में मैं सोती हूँ और वो जो माही के बाजू में जगह है दरवाज़े के पास नुमैर सोता है और बस यहाँ पे नुमैर के पीछे देखिए आपके भाईजन सो रहे हैं तो बस ऐसी होती है हम लोग को जगह थोड़ी जगह का हम लोग को प्रॉब्लम हो रहा है बट क्या करे तो यहाँ देखिए बस नुमैर को चाहिए दी यहाँ पे आके माई की बुखार अच्छे से चेक किया मैंने तो अलहमदिल्ला बुखार बच्ची की मेरी उतर गई थी एक घंटे के लिए एक घंटे में उतर गई थी एक्चुअली ना ठंडी हवा बहुत ज़्यादा है और मैंने फंका चालू रखा था स्लो पे रखा था लेकिन क्योंकि मच्छर काटते हालांकि गुड नाइट लगाती हूँ मैं फिर भी ना मच्छर बहुत है यहाँ पर तो बस इसीलिए शायद उसको शायद बुखार लेकिन अब मैं फंका बंद कर बंद ही करके रखूँगी अभी रोज़ और यहाँ पे देखिए नुमेर तैयार हो गया स्कूल के लिए जा रहा है बस बच्चा मेरा और बस ना नुमेर जाएगा तो थोड़ा लेट होंगी अगर नींद आ गई एक आध घंटा तो सो जाऊँगी वरना फिर मोबाइल की एडिटिंग करूँगी बैठ के मैं तो चले हेलो एवरीवन सलाम अल्लामैकम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली आई होप सब ठीक होंगे मस्त होंगे बढ़िया होंगे मज़े में होंगे तो चलिए फिर आज का ब्लॉग शुरू करते हैं और शुरू तो वैसे हमने सुबह मॉर्निंग में कर लिए थे तो अभी डबल शुरू करेंगे आपके फयाज भाईजान के साथ में तो आपके फयास भाईजान पता है किधर जाकर आए वो जाकर आए हैं मार्केट तो मार्केटिंग करके आ रहे हैं और उसके पहले उन्होंने कपड़े सारे धो दिए थे जो ये देखिए कपड़े बराबर देख रहे वो तो मैंने उनको बोला था बड़े-बड़े कपड़े प्लीज साइड में रखे दरवाजे के सामने ना रखे अच्छा नहीं लगता तो बस अभी वो काउंटिंग करा रहे थे के बाद, कि आपके भाईजान ने सब कुछ सही लाए दो हैं जो हमेशा करते हैं आपके भाईजान तो बस यहाँ पे देखें अंदर तो आ गए माँ ही यहाँ से वहाँ टहल रही है एक्चुअली वो देख रही है अपने शलवार कमीज जो उसने आज पहना है और आपको पता है वो यूजुअली uh, शलवार कमीज़ नहीं पहनती है बट आज उसने पहना मैंने बोला बेटा एक शलवार कमीज़ रखे हुए हैं उसकी खाला ने उसको दो तीन ड्रेस सिला के दिया था दो तीन ने ज़्यादा ही है बट तो मैंने बोला उसको पहन ले बेटा घर में क्या करेंगे छोटा हो जाएगा रख रक, रख के तो बस बोलने के बाद में उसने बोला कि हाँ ठीक है मम्मा निकाल के दो तो बस पहनने के बाद में वो फिर भी अपने आप को अनकम्फर्टेबल फील कर रही थी यहाँ देख रही है वहाँ देख रही है मम्मा कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है बस उसके चालू थे क्योंकि उसको क्या है ना लेगीज़ और शर्ट पहनने की आदत हो गई है ना तो ये कम्फर्टेबल नहीं लगता उसको सलवार कमीज़ में ज़रा वो करती है नाटक तो बट अभी देखिए उसके चालू थे बस उसका ऐसी यहाँ तो बस मैंने बोला अच्छी लग रही है वैसे तो आप लोग कमेंट करके बताना कि आपकी माह ही कैसे लग रही है शराब और कमीज़ में ये ज़रूर मैं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और यहाँ पे आपकी माह ही निकाल रही है मार्केट जो आपके भैयास भाई भाईजान ने मार्केटिंग करके आए हैं तो ये आ गया मेरा कांदा जो मैंने आपको बोला था ना कल बिना कांदे के हम लोग ने कल बटाटे की भाजी खाए और ये मेरा कांदा आ गया साथ में मैंने मंगाया है लोबे और अभी आप मत पूछना लोबे किसको बोलते हैं आपको दिख रहा है ये है भेलभाल आपको भीलभाल तो पता ही होगा ना जो मिक्स बटाने और सब होते हैं तो ये है भेल भाल और साथ में इन्होंने लाया हरी मिर्ची और भाई थैली हो गई खाली माही थैली खाली हो गई तो माही बोल रही हाँ मेरे आटा किधर है तो आटा आपके भाईजन ने नहीं लेकर आया जहाँ के मैंने बोली थी उनको कि गेहूँ का आटा लेकर आऊँ और रोटी बनाने का है बट एज़ यूजल आपके भाईजान तो भूलेंगे ही और यहाँ पे देखिए आपकी माही क्या कर रही है ये कर रही है कांदा गिन रही है बैठ के हालांकि मैंने उसको बोला माही मर्द गिन माही गिनने में बहुत एक्सपर्ट है कोई भी चीज़ लेकर आएंगे ना वो काउंटिंग करने बैठ जाती है आपने लास्ट व्लॉग में भी देखा था दो दिन के पहले के व्लॉग में वो पप वगैरह काउंट कर रही थी, जो थी न, टौई, वो जो खिलने का टॉयस आई थी ना टॉयस वो टॉयज़ में वो कुछ है ना बटन वगैरह काउंट करते बैठी थी जो मैंने उसको मना कर रही हूँ बट वो सुनती नहीं है वो काउंटिंग में बहुत एक्सपर्ट है तो यहाँ पे कांदा गिन रही थी तो मैं बोली माई प्लीज़ मत गिन क्योंकि हमारे वहाँ पर ना कहते क्या कहते हैं क्या कोई चीज़ अगर गिनने से कम होती है और अगर कोई अगर ऐसी कोई चीज़ है जो वेजिटेबल हो दो फ्रूट हो दो कुछ भी होंगे अगर उसको उछालेंगे हाथ में तो वो महंगी हो जाती है यहाँ पे हमारे वहाँ कहते हैं तो बस मैं वही बोल रही थी कि माई मत काउंट कर मेरे कंधे कम हो जाएंगे तो माई फिर भी गिन सुनती सुनती कहा माई तो मेरे कंधे गिन रही हो मैं बोलती जा रही हूँ वो हंस हंस के जानबूझ के गिन रही है उसको अच्छा लगता है

पहले थोड़ा सस्ता हो गया था लेकिन अब फिर महंगा हो गया अब हो गया टमाटर सस्ते टमाटर बीच में बहुत महंगे थे बट अब टमाटर सस्ते हो गए और कंदा हो गया महंगा तो ये तो चलता रहता है महंगा और सस्ता ऑल टुगेदर अगर मिलाए ना इन लोगों को सबको तो मार्जिन तो वही पड़ता है कि कोई चीज़ सस्ती होती तो कोई चीज़ महंगी हो जाती है तो बस अब फिलहाल कंदा महंगा और टमाटर सस्ते तो बस आपके भाई ने लेकिन फाइनली काम तो वही किए कि मेरा गेहूँ का आटा नहीं लेकर आए और अब मुझे रोटी बनाना था अब मेरी रोटी रह गई मैंने सोचा था कि मैं ले आ, ये जो भीलभाल है ना इसको सुक्का बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी ये देखिए माई ने मेरा भील भाल उछाली और यहाँ पर मैं माई को रही थी कि माई मत उछाल महंगा हो जाएगा <laughs> क्योंकि कहते हैं ना कि मैं अभी आपको मैंने बताया ना कि उछालने से महंगा होता है गिनने से कम होता है तो मैडम को मैं बोली माई म उछाल महंगा हो जाएगा महंगा हो जाएगा बट वो मैडम तो आपको पता है ना आपकी माई को जितना मैं बोलूंगी उतना मेरे को हंस के भी बोलती अच्छा ठीक है नहीं चलती ना तो महंगा हो जाएगा मम्मा तो चले फिर अभी यहाँ माई की आ हो गई मेरी गप्पे शप्पे माई के साथ में एंड और मैं आई हूँ यहाँ पे Uh, हमारा दोपहर का डिनर बट आज डिनर क्या रहा है आपको पता है मेरे घर में एज यूजल भुर्जी आपको पता है क्यों वैसे तो मेरी भुर्जी बनाने का प्लानिंग था आपने देखा है कि मैंने लाया है लोबे मतलब भेल भाल तो uh, जब भाल घर में आया है तो ऑब्वियसली भाल का ही कुछ बनेगा रेसिपी बट ये अंडे क्यों बन रहे तो अंडे इसलिए बन रहे ना क्योंकि uh, मेरी आज उम, रूम ओनर आई हुई थी घर में तो बस रूम ओनर से बात करते बैठ गई मैं और जिसकी वजह से मेरा खाना रेडी नहीं हुआ और जिसकी वजह से मुझे बनाना पड़ा भुर्जी और दोपहर के लिए पाव तो बस वो वजह से मेरा काम आज डिले हो गया तो होता है ना इसी कभी कभी अगर कुछ कोई लोग आ जाए इमरजेंसी में अगर कोई आ गया उस टाइम पे अगर हमारा खाना बनाने का टाइम हो तो हो जाता है कभी कभी लेकिन चलता है कभी कभी चलता है तो बस मैंने बोला चलो मैं भुर्जी बना देती हूँ और साथ ही में मैं सॉरी पाव को फ्राई कर देती हूँ तो बस भुर्जी बनाया और क्योंकि नुमा को ट्यूशन जाना था और भाई को अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करनी थी बैठ के उसको पढ़ाई वगैरह वगैरह करना था तो बस पाव मंगाया और आपके भाईजान भी बोले कि मैं भी निकल जाऊंगा तो बस वो भी निकल गए थे साढ़े बारह बजे तक के अपना जो रूम होना रहती है उसके वो चक्कर में बैठ गए थे बातें करने के लिए फिर उनसे बातें हुई और फिर आपके भाईजान ने साथ में भुर्जी पाव खाए और फिर वो निकल गए गाड़ी पे और ऐसा हो भी जाता है कभी कभी अगर हम किसी को अचानक बुला लें और सोचे नहीं बारे में प्लानिंग नहीं करें तो हो जाता है तो इसके लिए क्या ना बेस्ट ऑप्शन भुर्जी पाव बहुत बेस्ट ऑप्शन है कि बाहर से कुछ मंगाने से अच्छा क्या है ना भुर्जी भाव बना लो और खा लो तो वैसे तो आपके भाईजन बोल रहे थे कि मैं कुछ लेकर कर आऊँ कि बाहर से सालन वगैरह तो मैंने नहीं, नहीं नहीं मत लेकर आओ सालन वगैरह मत लेकर आओ मैं मस्त वाला एकदम भुर्जी बनाती हूँ और वैसे भी हमारे घर में भुर्जी बहुत ज़्यादा पसंद है मेरे बच्चों को स्पेशली मेरे नुमर को आप लोगों को पता है ना क्या मेरे नुमर को भुर्जी बहुत पसंद है आ, वो ज़्यादा करके चिकन गोश्त ये इसमें मैं इंटरेस्ट नहीं लेता उसको अंडे की मस्त वाली भुर्जी बना दो तो वो मस्त में खा लेता है तो बस ये मैं पाव को भी फ्राई कर रही हूँ और तेल लगा के पाव जब एकदम फ्राई कर देना तवे के अंदर और उसके साथ में भुर्जी और वो भी एकदम मज़ेदार एकदम तीखी वाली और उसके साथ में मैगी मसाला डाल दो ना तो भुर्जी का तो टेस्ट एकदम मस्त हो जाता है और मेरे बेटे को मेरी हाथ की भुर्जी बहुत पसंद है तो चले अभी मैंने निकाला भुर्जी और अभी आपके माही को मैंने यहाँ पे सर्व कर दिया नुमेर खाएगा और खाने के बाद में माही हो गई थी तैयार मतलब उसकी स्टडीज़ हो गई थी कंप्लीट और नुमेर चला गया था ट्यूशन और यह शाम का वक्त जब माही ट्यूशन के लिए जा रही है और मैडम हो गई है तैयार ट्यूशन जाने के लिए ट्यूशन मतलब डेली लोग का ऐसे ही रहता तो पढ़ाई करती है उसके बाद में अरबी अरबी के बाद में ट्यूशन ट्यूशन के बाद में डांस क्लास डांस क्लास के बाद में रात को आती नौ बजे के बाद फ्री होती है तो थोड़ा बहुत खेलती है मेरी बच्ची तो बस खेलने के लिए लोगों को सैटरडे संडे मिलता है उससे ज़्यादा कुछ नहीं तो मेरे को बोल रही है यहाँ पे टाटा बाय बाय तो बस आप भी थोड़ा सा टाटा बाय बाय माए को बोल दें और यहाँ पर देखें ये जाने के बाद में फिर से इसने मम्मा को फिर जा ये देखे तो ये होता है बेटियों का प्यार देखे देखिए देखिए देखे तो उस ऐसे ही रहता है मस्ती करती रहती मेरे साथ में तो बस माही चली गई और अब हो रहा है रात का टाइम मतलब अब बज रहे हैं कुछ बराबर सवा आठ मतलब माही आके डांस क्लास चली गई थी और मेरा ऐसी ना रात को मैं साढ़े आठ या नौ बजे के मैं वीडियो अपलोड कर देती हूँ और उसके बाद में मेरा जो भी खाना वीना बनाना होता है अगर मेरा बनाना रह जाता है ना तो मैं रात को करती हूँ तो मैंने बोला चलो खाना बना दूँ मैं जाके पहले बर्तन धो लूँ उसके बाद मैं खाना बना लूँ क्योंकि ये दोपहर के बर्तन है और बस मैं आई और बर्तन धोने में बैठ गई और तो चले आपके साथ में ये तो शेयर करूँ कि मेरी रूम ओनर क्यों आई थी वो तो बता दूँ आपको तो आ, रूम ओनर को मैंने बुलाया था फ़ोन करके क्योंकि एक्चुअली मैं आप लोगों को आप लोग मुझे कमेंट भी तो करते हो ना कि बाजी रूम का क्या हुआ रूम का क्या हुआ रूम का क्या हुआ तो उसका जवाब देना तो बनता है ना तो हाँ रूम का मेरा ऐसा हुआ कि ना मैं उसी के लिए मैंने रूम ओनर को कॉल करके बुलाया कि रूम के लिए काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि मैंने रमज़ान से उनको बोला था कि मुझे रूम खाली करना है आप लोगों को भी मैं बताती रहती हूँ कि रूम के लिए मैंने बोल रखा है बोल रखा है बट हो ऐसा कि जब तक ये रूम के लिए कोई दूसरा रेंटर नहीं आएगा जब तक मेरा डिपॉजिट नहीं मिलेगा क्योंकि रूम ओनर के पास में अभी फिलहाल डिपॉजिट नहीं है तो वो वजह से थोड़ा से आगे पीछे आगे पीछे हो रहा है तो बस मैंने खाला को इसीलिए बुलाया था कि प्लीज़ क्या हुआ खाला कोई रेंटर हुआ क्या नहीं हुआ तो वो बता रहे थे कि बेटा मैंने सबको बोल के रखा है इनशाला हो जाएगा तो बस मसले तो ऐसे आ गए नहीं कि लॉकडाउन हो गया लॉकडाउन के बाद में लोगों के बाद में जल्दी पैसे नहीं है आ, जैसा ऊपर नीचे नीचे ऊपर होता रहता है जैसा अगर जितना उनको चाहिए उनको नहीं मिल रहा है या तो रेंटर को जो रेट में रूम चाहिए वो रूम में नहीं मिल रहा तो बस ऊपर नीचे होने की वजह से बोलते हैं ना तालमेल बैठ नहीं रही है और जिसकी वजह से आपकी बाजी नहीं निकल रही है तो इंशाला खाला ने बोले मुझे बेटा हो जाएगा क्योंकि मैंने उनको बोला कि खाला आपको तो पता है Uh, कि मैं YouTube पे काम करती हूँ तो मेरी ओनर को पता है कि मुझे क्या काम करती हूँ मैं तो खाला को मैंने बोल के रखा है कि मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है एडिटिंग के लिए और uh, मेरे वीडियोस के लिए मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे थोड़ी सी प्राइवेसी चाहिए इसलिए मुझे थोड़ा सा बड़ा रूम चाहिए और आपने अभी सुबह में भी देखे मॉर्निंग में हम लोग कैसे सोते तो बस ऐसी है uh, थोड़ा सा मेरे को प्राइवेसी नहीं मिलती है और प्लस क्या ना सुबह नमाज़ के लिए जब भी हम नमाज़ के लिए भी सोचूंगी ना कि चलो सुबह फ़जर की नमाज़ पढ़ लूँ उठ गई हूँ तो लेकिन मेरे को जगह नहीं मिलती है तो बस इनशाला आई uh, होप कि अगर थोड़ी सी uh, जगह मिल जाए मुझे थोड़ी सी uh, बड़ा घर मिल जाए थोड़ा सा बेडरूम वाला छोटा बेडरूम चलेगा मुझे तो जिसकी वजह से क्या मुझे थोड़ी प्राइवेसी मिल जाए मेरी वीडियो के लिए आप लोग भी बखूबी चैनल वालों को पता है कि थोड़ी सी प्राइवेसी सबको चाहिए होती है कि वॉइस ओवर करने के लिए वीडियोज़ के लिए और साथ में नुमेर के लिए बेबी नुमेर का टेंथ का भी पेपर है आप लोगों को पता है कि नुमेर की पढ़ाई है उसको भी थोड़ी प्राइवेसी मिल जाए क्योंकि ना आवाज़ बहुत आती है रोड पे रूम में बच्चे बहुत चिल्लाते बाहर और जिसकी वजह से ना नुमेर का भी माइंड डाइवर्ट हो जाता है तो बस इसलिए थोड़ा से रूम अभी लूँगी ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा शोर गुल ना हो और इन मेरे लिए दुआएं करना आप लोगों को कि आपकी मदीना बाजी को अच्छे से एक रूम मिल जाए और जो मदीना आपकी मदीना बाजी जो रूम में रहती है और वो रूम का भी भाड़ू जल्द से जल्द आ जाए और जो मेरी ओनर है उनका भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए मेरा भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और मैं अच्छे से यहाँ से निकल जाऊँ मैं नहीं चाहती कि कोई बात यहाँ पर बढ़े क्योंकि मुझे ऑलमोस्ट यहाँ पे एक ख़ाला को बोल के आठ महीना हो गया है आठ महीने से मैंने उनको बोल के रखा है कि मुझे रूम खाली करना है बट हो नहीं रहा है और आप लोगों को भी मैं हमेशा शेयर करती रहती हूँ कि मैं रमज़ान से बोल रही हूँ रूम खाली करने के लिए बट नहीं हो रहा है बस अल्लाह से दुआ कर रही हूँ कि जल्द से जल्द ये रूम का आ जाए और मैं चली जाऊँ क्योंकि मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं है फ़िलहाल मेरे लिए मेरे काम के हिसाब से और बच्चों की पढ़ाई के हिसाब से बहुत छोटा रूम है अभी फ़िलहाल तो आ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि यार हम लोग इस घर में दिन नहीं निकाल सकते निकाल सकती हूँ निकाल सकती हूँ ऐसा कुछ नहीं है लेकिन क्या करूँ काम का बहुत प्रॉब्लम होता है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है बस ये यही वजह और कुछ नहीं है बाकी तो चले फिर अल्लाह खैर इंशाल्लाह आप लोग की दुआ रहेगी तो सब हो जाएगा तो आप लोगों को बहुत सारी दुआएं करना है मेरे लिए और कमेंट बॉक्स में मुझे बहुत सारी दुआएं भेजना है कि जल्दी जल्दी आपकी मदीनाबाजी का रूम हो जाए ठीक है तो चले भी मैंने बातें को मैं यहाँ पे स्टॉप कर तो, कर दूँगी और हमारी रेसिपी शेयर करूंगी कि मैं आज क्या बना रही हूँ दोपहर में तो भुर्जी पाव खा ली अब रात के लिए बना रही हूँ मैं लोबे का सालन मीन्स भीड़ बाल का सालन और चावल तो बस अभी ये देखें मैं यहाँ पे अपने आ, रेसिपी देखिए मेरा मतलब मैं क्या बोल रही थी ये शेयर कर रही मैंने ले लिया कांदा और खोपरा और साथ में मैंने लिया है टमाटर तो ये तीन इंग्रेडिएंट मैंने यहाँ पे ले लिया और साथ में मैंने यहाँ पे देखे क्या लिया है मैंने कोतमीर ले लिया और ये जो है ना सूखी लाल मिर्च और मैंने सिर्फ़ एक इलायची इसको क्या बोलते हैं इलायची सॉरी 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 दालचीनी एक दालचीनी मैंने लिया है ठीक है अब मैं इसको अच्छे से ना इसको मैं इसको पीस लूँगी और इसका एक मस्त वाला मैं पेस्ट बना दूंगी और बहुत अच्छा सालन बनता है ये भेल भाल का और इन मेरे नुमर को बहुत पसंद आया वैसे तो खाता नहीं है नाटक करता लेकिन आज उसको सालन बहुत पसंद आया था और ये सुखी मिर्च मैंने डाला ना बस यही डालूंगी इसके बाद में मैं वो नहीं डालूंगी हरी मिर्च क्योंकि तेज़ हो जाएगा तो बच्चे मेरे तेज़ नहीं खाते आप लोगों को भी पता है कि ये लोग तेज़ नहीं खाते तो बस ये सुखी मिर्ची है ना इसी में मेरा हो जाएगा क्योंकि ये जो सुखी मिर्च है ना ज़्यादा तेज़ वाली नहीं है ये फीकी वाली है तो काफ़ी उतना जितना तेज़ होगा ना उतना काफ़ी है तो चले अभी मैं इसको अच्छे से पीस लेती हूँ और बस चले 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 और मैंने यहाँ पे रख दिया है हमारा क्या कुकर तो अब मैं कुकर में डालने जा रही हूँ तेल तो मेरे बर्तन धुल गए बट वहाँ पे एक तो थोड़ी सी बाकी है मेरी दूध की तो उसको मैं बाद में धोने वाली हूँ तो मैंने उसको वहाँ पे साइड में कर दिया और यहाँ पे मैंने डाल दिया है तेल और आपने देखा मैंने बर्तन भी पूरे साफ़ कर दिए बर्तन मेरे धुल गए सो कभी कभी रात में धुलते कभी कभी तो मैं दिन में ही धो लेती हूँ या फिर ये जो रात के बर्तन होते हैं ना दिन के जो दोपहर खाने के वो रात ही में धुलते हैं Uh, बाकी तो रात के खाने के बर्तन तो मैं खा खाना खाना खाने के बाद में खा हम लोग धोखे से सोती हूँ रात में बिना बर्तन धोए सोती नहीं हूँ बस दोपहर के बर्तन थोड़े लेट हो जाते बाकी मैंने कांदा डाल दिया उसके अंदर देखिए मैंने तेल में डाला है कांदा और यह है ज़ीरा जो मैं अभी बघारा डाल रही हूँ बस कांदा और ज़ीरा अब इसको हम कर देंगे अच्छे से लाल और उसके बाद में लाल करने के बाद में ये देखिए मैंने थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट भी डाला है तो ये मैंने सिर्फ आधा चम्मच अभी थोड़ा सा डालूंगी आधा चम्मच नहीं हुआ था एक्चुअली तो मैं इसको आधा चम्मच ही डालूंगी ज़्यादा निया क्योंकि फिर ज़्यादा क्या ना गोश में गोश्त रहता है ना तो ज़्यादा डाले तो समझ में आता है लेकिन गोश्त जब नहीं रहता तो थोड़ा सा डालती हूँ तो बस अदरक लहसन का पेस्ट मैंने इसमें थोड़ा से डाला है अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे और मेरा अच्छे से वहाँ पे भुन चुका है कांदा और ये जो है ना पेस्ट जो मैंने मसाला पीसा है और ये पेस्ट मैं डाल दूँगी और इस पेस्ट को मुझे अच्छे से पकाना है ताकि जो स्मेल है ना इसकी वो निकल जाए तो बस अभी मैं इसको अच्छे से पीस लूँगी और ये जो मेरा छोटा ना मिक्सर का बर्तन मेरा बड़ा वाला ना एक्चुअली मुझे बड़ा बर्तन लेना है बट जब भी मार्केट जा रही हूँ ना आपके भाजन के साथ में मुझे याद ही नहीं आ रहा अभी आपके भाजन को ही बोलना पड़ेगा मुझे आप ही ला दो मुझे आ, के बर्तन कैसा लाना क्या होता है ना ये बर्तन इतने टूटते ना नीचे का जो है ना वो घूमने वाला आपको पता है ना वो इतना टूट जाता है ना मैं कितने यूज़ कर चुकी हूँ नीचे का बर्तन फिर टूटता है तो चल मैंने डाल दिया इसमें नमक और इसमें मैं क्या डालने वाली स्पाइसेस देखिए तीखी वाली मिर्ची मैंने डाला आधा चम्मच और हल्दी डाला मैंने आधा चम्मच और एक चम्मच अक्खी धनिया की बुक्की और उसमें मैंने थोड़े से कश्मीरी लाल मिर्ची की बुक्की भी डाल दिया मैंने सिर्फ चार स्पाइसेस डाला ठीक है तीखी मिर्ची फीकी मिर्ची और धनिया की बुक्की और हल्दी बस चार स्पाइसेस डाला मैंने और नमक बस ये ज़्यादा कुछ नहीं डालने वाली हूँ मैं इसके अंदर तो बस अभी मेरा मसाला देखिए अच्छे से भून चुका है तो बना भूना नहीं है मतलब मैंने उसको शिफ्ट कर दिया है और वो क्यों क्योंकि ये जो अभी मैंने ना तपेली रखा है ना इसके अंदर मैंने डाला तेल और ये देखिए मैंने डाला इसके अंदर आ, लाल सुखी मिर्ची कड़ी पत्ता और राई और कांदा इसको मैं बघारा डाली हूँ किसके लिए पता है आपको इसको मैं बना रही हूँ मेरे जो चावल रखे हुए हैं Uh, जो दोपहर में मैंने चावल बनाई थी सॉरी 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 दोपहर में नहीं वो जो मेरे कल के चावल थे ना थोड़े से रात में जब बनाई थी ना मैंने वो बच गए थे तो मैंने उसको फ्रिज में डाल दिया था तो ये थोड़े से चावल है तो मैंने फ्रिज में से निकाला और मैंने बोला इसको मैं हल्दी वाला चावल बना दूँ uh, हल्दी वाला चावल तो क्या ना इसके अंदर uh, ये जो इसके अंदर बघारा डाल के जब चावल बनाते हैं ना ये हल्दी वाला ये बहुत अच्छा लगता है और इसको दाल में खाओ आप या फिर अभी मैंने सालन के लिए क्योंकि कल रात के चावल थे ना तो मैंने सोचा कि अभी कल रात के जब है तो उसको बघारा डाल के बना दूंगी तो मस्त टेस्ट आ जाएगा तो बस उसको मैंने चावल को अच्छे से भगाड़ दिया और येल्लो चावल मैं बना रही हूँ और यह था कि मसाला मेरा अच्छे से भून चुका है और मैंने चावल को शिफ्ट कर दिया क्योंकि ये बाजू का गैस जो है ना मेरा स्लो है तो मैंने उसको स्लो पर रख दिया है ताकि वो पाँच से सात मिनट में अच्छे से वो चावल मेरा अच्छे से वो बघारे के साथ में मस्त वाला एकदम टेस्ट हो जाएगा तो बस अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया मेरा भेल भाल और यहाँ पे मैंने खोल कर देखा तो ये चावल मेरे पक रहे थे थोड़े से और उसको चाहिए भाप और इसके साथ में मैंने डाल दिया थोड़ा बटाटे जो दो बटाटे मैंने डाला क्योंकि मेरे बच्चे ऐसा ना कभी कभी के आ, बोलेंगे मुझे बटाटा नहीं डाले मम्मा तो इसलिए मैंने बोले चलो दो बटाटे भी डाल ही देती हूँ तो मैंने बटाटे भी डाल दिया साथ में और अब इसमें मैंने डालने लगी पानी और पानी डाल के मैं इसको कवर करके रख दूँगी और ये बहुत टेस्टी बनता है सालन भेल भाल का सालन और ये मैंने एक एक्स्ट्रा एक मतलब मैंने डायरेक्ट डायरेक्ट इसको मैंने जो अभी बनाया ना मैंने कच्चा कच्चा वाला बनाया मतलब अखा वाला मैंने पीस के इसको बनाया इन शाला मैं नेक्स्ट टाइम आपको एक ना बहुत अच्छी वाली रेसिपी शेयर करूँगी जो भून के बनाऊँगी और वो भी शेयर करूँगी वो भी बहुत अच्छा टेस्टी बनता है तो ये देखिए मेरा सालन रेडी है मैंने लीड दवा लीड को ढक्कन को मुझके उसको मैंने दस मिनट पका लिया ज़्यादा नहीं दस मिनट काफ़ी है तो मेरे चने भी अच्छे से पक चुके हैं मैंने बटाटा गल चुका है तो ऑलमोस्ट मेरा भीलभा का सालन डन डना डन डन रेडी है ये देखिए और माशाल्लाह बहुत अच्छा बनाता है इसकी टेस्ट भी बहुत अच्छा है बेल का सालन बहुत अच्छा लगता है बट क्या ना जिससे मैं आपके फ़याज़ भाजन को ज़रा गैस होती है ना तो वो ज़रा नाटक करते तो उनका तो ऐसी है उनको गैस बहुत होती है और नुमर को भी होती है ऐसा नहीं कहा नुमर को नहीं होती नुमर को भी होती है तो मैंने बोला कि बेटा चना थोड़ा कम खा लो चना भले मैं खा लूंगी आप लोग सालन खा लो तो बस मैंने चने हटा के रखा था और सालन खाया था और ये बन गया था डन डन, डन, डन मस्त मेरा मस्त वाला सालन और येलो वाले बगारे ले चावल तो चले फिर वीडियो एंड करेंगे मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट मजेदार वीडियो ब्लॉग रेसिपी के साथ जब तक दुआ में याद रखें अल्लाह